अभिनंदन अधीरथ, अभिनंदन। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। अपराधी है, सूद समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने, मारो इसे। सड़ता है तो वृक्ष से स्वयं गिर जाता है। तुम भी इस कलंक को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जाओ, 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 जाओ। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। वही जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। तब पिताश्री तो निर्दोष है ना, तो फिर क्यों ये लोग? क्योंकि निर्दोषता सिद्ध करनी होती है पुत्र कर्ण। खोया हुआ सम्मान और कटा हुआ मस्तक फिर से प्राप्त नहीं होता। वत्स गांधारे, तुम्हारा कल्याण। शीघ्र ही भगवान शिव का वरदान सफल होगा। 100 पुत्रों के कलनाथ से तुम्हारा भवन गूंज उठेगा। मैंने 101 घड़ों में 101 जीव स्थापित किए हैं। 101 महामुनि, तुम्हें एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा थी ना वत्स गांधारी। महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों के साथ एक कन्या का भी दान दिया है। इन घड़ों में औषधि और तेल में सारे जीव आकार प्राप्त कर रहे हैं। समय अनुसार
एक एक कर सबके जन्म होंगे। प्रणाम महामुनि, मेरी बहन के पुत्र शीघ्र ही जन्म लेंगे गांधार राज शकुनी। महामुनि, मेरा पुत्र मेरे पश्चात कुरुराज का राजा तो बनेगा ना। पुत्र धृतराष्ट्र, तुम संतान प्राप्त करने का सुख भोग, अपनी योजनाओं का भार अपनी संतान के सर रखकर उसके जीवन में क्यों महत्वाकांक्षाओं का विष घोल रहे हो? अभी तो वो जन्मा भी नहीं। समय से पूर्व समय की गति को जानना भी एक अभिशाप है। इसीलिए इस समय चिंताओं का त्याग करो वत्स, ये उत्सव का समय। आपने मेरे संतानों को जीवन देकर मेरी श्रद्धा को जीवन दान दिया है। आपकी कृपा के इस ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगी मैं? कृपा और ऋण, अगर कृपा का ऋण चढ़ता तो मनुष्य ईश्वर की कृपा के तले दबकर मर चुके होते। ऋण उपकार का चढ़ता है, कृपा का नहीं। तुम्हारे माथे पर यदि कोई ऋण है तो वो उस बालक का जो हमें यहां तक लेकर आया। मैं उसके जीवन को सुख से भर दूंगी, धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दूंगी महामुनि। कुछ जीवन सदा ही रिक्त रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीने की आस में जी रही सीप जैसे सागर में रहकर भी प्यासी रहती है। उस बालक को जिसकी आवश्यकता हो वो देने का प्रयत्न करना वत्स। सैनिक, उस बालक और उसके पिता को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। मेरे निकट आओ। आज तुमने हस्तिनापुर के सम्राट पर उपकार किया है, बताओ क्या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा है? मेरे पिताश्री को मृत्युदंड दिया गया है महाराज। वत्स, मैं इसी क्षण तुम्हारे पिता के सभी अपराधों को क्षमा कर उन्हें मुक्त करता हूं। मैं पिताश्री की मुक्ति मांगने नहीं आया हूं महाराज। मुक्ति
शक्ति मांगने नहीं आए तो फिर क्या आशा है वत्स? क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी? मेरे पिताश्री को मृत्यु दंड दीजिए महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो? मृत्युदंड? अपने पिता की मृत्यु की कामना करते हो? नहीं, उनके सम्मान की कामना करता हूँ। जब मैं महामुनि को लेने गया था तब मेरे हृदय में केवल मेरे पिताश्री के जीवन का महत्व था, किंतु आज समझ में आया कि सम्मान से रिक्त जीवन और जल से रिक्त पौधे एक समान होते हैं। देह अदेह सूख ही जाते हैं, इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। पुत्र, तुम अपने पिता से उनके जीवन का अधिकार छीन रहे हो। नहीं, मैं अपने पिता को सम्मान का अधिकार देने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या तुमने अपने पिता से पूछा कि वो मृत्यु के लिए सज्ज है? मेरा मन मेरे पिताश्री की छाया है महोदय। मैं अपने मन को प्रश्न करता हूं, तब उसका उत्तर मेरे पिताश्री देते हैं। अद्भुत अद्भुत हो तुम पुत्र कर्ण। सम्मान अधिकार, इन दो शब्दों का अर्थ अधिकतर मनुष्य मृत्यु तक नहीं जान पाते। क्या आशा है बालक? मेरे पिताश्री ने उस भुगत ग्राम के कुएं में विष नहीं डाला था। और यदि डाला था तो समग्र समाज के सामने सिद्ध कीजिए कि मेरे पिताश्री ने अपराध किया है। अन्यथा स्वीकार कीजिए कि मेरे पिता को सम्मान का अधिकार है। अपराध का निर्णय प्रमाणों पर आधारित होता है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिता ने अपराध नहीं किया? जिसने वास्तव में अपराध किया है वही प्रमाण है कि मेरे पिता निर्दोष हैं। कहाँ है वो व्यक्ति? उसे इस सभा में उपस्थित करो। मैं नहीं जानता वो कौन है। आप उसे ढूंढिए महोदय। मेरे ताऊ कहते हैं कि अपराधी को ढूंढकर उसे दंड देना राज्य का कर्तव्य होता है।
उदंड हो तुम बालक। महामहिम, सत्य सदा उदंड ही होता है, असत्य को हाथ जोड़ने पड़ते। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। मेरे पिता ने शिक्षण दिया है कि हम सूत हैं, श्रम करके धन कमाते हैं, दान नहीं लेते। फिर उनके जीवन का दान किस प्रकार ले सकता हूं मैं? मैं उस अपराधी को राज्यसभा में अवश्य उपस्थित करूंगा। यदि नहीं कर पाए तो मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, फिर दया नहीं दिखाई जाएगी। अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता महोदय, मुझे मेरे पिताश्री पर पूर्ण विश्वास है। अन्यथा अपराध के विचार से ही उनकी मृत्यु हो जाती। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। समय है, दान मांगो, अधिकार नहीं। मेरे ताऊ कहते हैं कि अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। ये क्या किया तूने? कहा क्या विचार कर कैसा अनुचित वरदान मांगा? पिताश्री की आंखें सदा आकाश को देखती थी, भूमि पर गड़ी आंखें मैं नहीं देख पाया। माता, ग्रामजनों के शब्दों से जब पिताश्री का अंतर जल रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि समग्र सृष्टि जल रही है, और इसलिए तुमने अपने पिता के लिए मृत्यु दंड मांग लिया। नहीं माता, भ्राताश्री ने सम्मान का अधिकार मांगा है। सम्मान का अधिकार मांगा है? मूर्ख हो तुम दोनों। राजकुल में जन्मे हो, जो सम्मान के अभ्यास जीवन भर किया होगा, न्याय मांगने चला वो भी किससे? उन क्षत्रियों से, ऊंचे वर्ण के समाज से, अरे जो हमें क्षमा तक नहीं करते, उनसे न्याय मांगने चला। विषैले नाक से आलिंगन की आशा कौन करता है? इस तरह तो तुमने जीते जी अपने पिता की चिता जला दी। राधा, वृक्ष को हठपूर्वक मोड़ कर रख दो, काल पश्चात वो
सीधा होना भूल जाता है। तुम्हारी स्थिति ऐसी ही है, हमारे समाज की स्थिति ऐसी है। हमें सम्मान और स्वतंत्रता का मूल्य ही अब समझ में नहीं आता। किसने मांगी स्वतंत्रता आपसे? किसे अपने जीवन से पीड़ा है? केवल आपको। चिरजी, जिन्हें सुख के स्वप्न देखने में रुचि है, उनकी निद्रा तोड़ने का यज्ञ क्यों आरंभ किया आपने? और उस यज्ञ में मेरे आर्य की बलि क्यों देना चाहते हैं आप? नहीं माता, पिताश्री का बलिदान नहीं होगा। भ्राताश्री पर विश्वास रखिए। मैं वचन देता हूं माता, मैं पिताश्री को मुक्त करवा कर रहूंगा और उन्हें मिथ्या सिद्ध करूंगा जिन्होंने हमें न्याय नहीं दिया।